Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab. Today we are discussing a very important topic. We are discussing about importance tally shortcut keys. तो टैली में जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट कीज। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीज हैं, फिर मैं उनको टैली में इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंप्लीमेंट उनको हमें टैली में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो तरह की शॉर्टकट कीज यानी फंक्शनल कीज हमारे पास टैली में है। कुछ फंक्शंस कीज जो होती हैं वो हमारी ओल्ड के साथ चलती हैं और कुछ कंट्रोल के साथ चलती हैं। अब दोनों में हमें डिफरेंस कैसे पता होगा कि कौन सी हमारी ओल्ड के साथ चलेंगी और कौन सी हमारी कंट्रोल के साथ चलेंगी? तो जिन शॉर्टकट कीज के नीचे सिंगल अंडरलाइन होगी, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, तो जिसमें सिंगल अंडरलाइन होगी लाइक इस तरह से, तो वो हमारी ओल्ड के साथ चलेगी, और जहां पे डबल अंडरलाइंस होंगी वो हमारी कंट्रोल के साथ चलेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिन वर्ड्स के नीचे डबल अंडरलाइन है वो कंट्रोल के साथ चलेंगी, जो सिंगल लाइन के साथ है वो हमारे ओल्ड के साथ चलेंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूं ओल्ड प्लस फंक्शन की यानी F3, जैसे अगर यहाँ सिंगल लाइन दिख रही है आपको, F3 के नीचे यहाँ पे सिंगल लाइन दिख रही है, तो ये क्या है, ओल्ड के साथ F3 प्रेस करना है कंपनी इन्फो के लिए। तो दैट मीन्स नीड टू प्रेस ऑल्ट F3 टू सेलेक्ट द कंपनी इन्फो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंट्रोल के साथ फंक्शन की तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन होगी इस तरह से, ये डबल अंडरलाइन है F8 के नीचे क्रेडिट नोट लाने के लिए, दैट मीन्स नीड्स टू प्रेस कंट्रोल F8 टू सेलेक्ट द क्रेडिट नोट, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया कि कौन सी ऑल्ट के साथ चलेंगी आपकी और कौन सी आपकी कंट्रोल के साथ चलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शंस कीज कॉम्बिनेशन की, स्पेशल कीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा F1 की प्रेस करने से क्या होगा, टू सेलेक्ट कंपनी, कंपनी अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो आपको सिंगल F1 विदाउट ऑल्ट और विदाउट कंट्रोल आपको F1 प्रेस करना है तो आपकी सेलेक्ट कंपनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे होगी। अगर मैं यहाँ पे F1 प्रेस करता हूँ साथ में, तो इस तरह से मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी, आपको कौन सी कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है वो आपसे पूछेगा और एंटर करेंगे तो आपकी वही कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ F1 प्रेस करना है और कंपनी नेम पे एंटर करना है, तो जो भी कंपनी नेम आप एंटर करेंगे वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है आपका ऑल्ट प्लस F1 टू शट कंपनी। आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट F1 का इस्तेमाल करके शट कंपनी कर सकते हैं, मतलब कंपनी को बंद कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको भी। ऑल्ट के साथ ऑल्ट F1 प्रेस कर रहा हूं मैं, कौन सी कंपनी शट करनी है, मैंने कहा ये वाली ODBC वाली करनी है तो शट कंपनी हो गई। अब अगर मुझे ये भी बंद करनी है तो ऑल्ट F1, देखिए यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नेम यहाँ पे आपका नहीं दिखा रहा, यानी इसका मतलब ये है कि आपने सारी कंपनीज क्लोज कर दी है। तो ऑल्ट F1 किस लिए यूज होगा, आपका शट कंपनी करने के लिए। आगे चलते हैं F2 टू चेंज द डेट, डेट चेंज करने के लिए आपका F2 प्रेस होता है और ऑल्ट F2 आपका चेंज पीरियड करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, ये वाली कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में हूं और यहाँ पे मुझे F2 की प्रेस करनी है, तो जैसे ही मैं F2 की प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मुझसे डेट मांगता है, जो भी डेट आपको डालनी है लाइक 2/4/2018 डालनी है आपको, तो एंटर कर देंगे तो आपकी यहाँ पे ये डेट चेंज कर रहा है ओल्ड F2 से। अगर मुझे अपना पीरियड फाइनेंशियल पीरियड बदलना है, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 तक आ रहा है, अब ये फाइनेंशियल पीरियड मुझे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड के साथ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ईयर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे लाइक दिस, ये आ गया। तो अब यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है आपका, तो फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो गया 18/19 से 17/18 हो गया यहाँ पे, तो ये होता है चेंज पीरियड करने के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं हम फाइनेंशियल की F3 और ऑल्ट F3 की। F3 यूज होता है टू सेलेक्ट द कंपनी, कंपनी को वापस सेलेक्ट करने के लिए, जो हम F1 से कर रहे थे, अगर एक बार हमने F1 से कर लिया तो हम वो F3 से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्ट F3 होता है टू सेलेक्ट द कंपनी इनको, चलिए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने पहले ओल्ट F1 की यहाँ पे F1 किया सेलेक्ट कंपनी करने के लिए, मैंने कंपनी सेलेक्ट कर ली, तो दो कंपनी सेलेक्ट हो गई। अब दोनों में से मेरी मुझे चॉइस करनी है कि मुझे ODBC वाली चाहिए या A वाली चाहिए, तो अब हम सिंगल F3 प्रेस करके भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कंपनी इन्फो में जाना है तो आपको ओल्ट के साथ F3 प्रेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपनी इन्फो आ जाएगा, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, अल्टर, डिलीट, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका क्या है,
आपका कंपनी इन्फो है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कंपनी इन्फो, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि F3 और ऑल्ट F3 में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं F4। F4 की कब यूज करनी है हमें, जब हम अकाउंटिंग वाउचर में हैं, ठीक है। F4 की किस लिए यूज होती है, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्रीज आप टैली में डालना चाह रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना है। कैसे करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। यहां पे आप आएंगे अकाउंटिंग वाउचर, यहां पे आप प्रेस करेंगे F4। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा लिखा हुआ। ये आपकी शॉर्टकट की हो गई F4 कॉन्ट्रा वाउचर, यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश की एंट्रीज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद F5 की बात करते हैं। F5 यूज होता है हमारा पेमेंट वाउचर के लिए। पेमेंट वाउचर में कैसे यूज करना है, यहाँ पे बस सिंपली आपको F5 प्रेस करना है, सीधा आपका पेमेंट वाउचर आ जाएगा। यानी किसी को कैश से या बैंक से या चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं थ्रू, तो हम यहां पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, F6 वाउचर आता है हमारा। F6 होता है हमारा रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर यूज करने के लिए आपको F6 प्रेस करना है टैली के अंदर। टैली के अंदर जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे ये आपका रिसीप्ट वाउचर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे किस की को आपको प्रेस करना है। यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे तो टैब बटन्स भी आ रहे हैं, ये आपको बताते रहेंगे। F5 पेमेंट वाउचर के लिए होता है, F6 रिसीप्ट वाउचर के लिए होता है, F7 जर्नल के लिए होता है, F8 हमारा सेल के लिए होता है, F9 हमारा परचेज के लिए होता है, ये सारी चीजें। आगे चलते हैं, F7 जैसा कि हमने बताया जर्नल वाउचर के लिए यूज होगा, तो जर्नल वाउचर के लिए यूज करने के लिए आपको F7 प्रेस करना है, ठीक है। तो यहां पे आप F7 प्रेस कर लेंगे आपका जर्नल वाउचर आ जाएगा। आगे चलते हैं, हम आगे चलने के लिए हमने किया F8। F8 हमारा यूज होता है सेलेक्ट आपका सेल वाउचर, सेल वाउचर, और कंट्रोल F8 होता है आपका यूज आपका क्रेडिट नोट सेलेक्ट करने के लिए। कैसे यूज होगा चलिए देख लेते हैं। यहां पे मैंने F8 प्रेस किया तो ये मेरा सेल वाउचर आ गया। अब क्रेडिट नोट लाने के लिए पहले आपको ऑप्शन को एक्टिव करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको F11 की प्रेस करनी है। F11 की में आपको डेबिट क्रेडिट नोट को यस करना पड़ेगा। ये यहां से आपको यस करना पड़ेगा, ये तीनों ऑप्शन आपने यस कर दिए। उसके बाद आप कंट्रोल F8 कर सकते हैं, तो कंट्रोल F8 कर लेते हैं। ये आ गया आपका क्रेडिट नोट। तो ध्यान रखिएगा जब तक एक्टिव नहीं होंगे वहां से F11 फंक्शन से, यानी इन्वेंटरी फीचर से आपका एक्टिव नहीं होगा तब तक आपका क्रेडिट नोट शो यहां पे नहीं होगा, चाहे आप कंट्रोल F8 कितनी बार भी प्रेस करते रहे। तो ये आपको याद रहेगा उम्मीद करते हैं। उसके बाद F9 और कंट्रोल F9 यूज होते हैं। F9 यूज होता है परचेज वाउचर के लिए, कंट्रोल F9 यूज होता है हमारा डेबिट नोट के लिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले F9 प्रेस कर लेते हैं। F9 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे परचेज वाउचर आ रहा है मेरा, और कंट्रोल F9 अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर आ रहा है मेरा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। F10 की जो है वो मल्टीपल रूप में यूज होती है। अगर सिंगल F10 की प्रेस करेंगे तो जनरल रिजर्व आ जाएगा, जनरल रिजर्व वाउचर हमारा यहाँ पे जो भी है नॉन अकाउंटिंग वाउचर से रिलेटेड हम एंट्रीज पास करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर भी सेम उसी लिए होता है। कंट्रोल F10 आप यूज कर सकते हैं जब मेमोरेंडम वाउचर आपको लाना हो। फिजिकल स्टॉक मतलब आपका स्टॉक घट गया है किसी वजह से, लाइक जल गया है फायर की वजह से या टूट गया है, आपका फिजिकल डैमेज हुआ है तो आप फिजिकल स्टॉक वाउचर बनाएंगे तो वो ऑल्ट F10 से आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। मगर उसको करने से पहले आपको F11 फंक्शंस में इन्वेंट्री अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फीचर्स यहां पे आ रहा है, आपको F2 प्रेस करना है। यहां पे आ गया ये आपका। तो यहां पे आपको क्या करना है, F11 F1 में यहाँ पे आपको रिजर्विंग जर्नल एंड ऑप्शन वाउचर को यस करना है। ये ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका कंट्रोल F10, ये आपका कंट्रोल F10 चलेगा। इस तरह से मेमोरेंडम वाउचर के लिए ऑल्ट F10 चलेगा, फिजिकल स्टॉक वाउचर के लिए, और सिर्फ अगर आपको F10 प्रेस करना है तो रिजर्विंग जर्नल आएगा आपका। तो ये तीनों वाउचर्स आपके यहां इस तरह से शो होंगे। आगे चलते हैं। F11 की यूज होती है हमारी
तो जैसे कि मैंने अभी बताया, फंक्शंस यूज करने के लिए हम फीचर्स स्क्रीन लाने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने F11 की प्रेस कर दी तो सबसे पहले आता है F11 F1। यहाँ पे साइड में अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट F1 सिलेक्ट हुआ होता है। ये अकाउंटिंग फीचर्स है हमारे, जो भी आपको चीज एक्टिव करनी है वो आप यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद F2 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये इन्वेंटरी फीचर्स होते हैं। उसके बाद F3 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे टैक्सेशन फंक्शन होते हैं, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन फंक्शन यहाँ पे होते हैं हमारे। तो ये यहां से हो गया। उसके बाद एट द लास्ट फंक्शन की में आपका F12 यूज होता है कॉन्फिगेशन स्क्रीन लाने के लिए। कॉन्फिगेशन स्क्रीन कैसे आती है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। अगर मुझे लाइक पेमेंट वाउचर की कॉन्फिगेशन की या परचेज वाउचर की कॉन्फिगेशन की में जाना है तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करेंगे तो ये परचेज इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फिगेशन आ जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या यस रखना है क्या नो रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक बार और दोबारा से F12 प्रेस करेंगे तो ये पूरी आपकी कॉन्फिगेशन आपकी ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आप यस नो कर सकते हैं, लाइक आपको चेक प्रिंटिंग से वाउचर्स में करनी है नहीं करनी है, चेक नंबर ऑटो चाहिए नहीं चाहिए, वो आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो फंक्शन की है समझ में आई होंगी, आगे आपको ये ध्यान रहेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियोस हमारी समझ में आई होगी। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।